आज की वीडियो में हम लोग ये चीज देखने जा रहे हैं कि विद इन 15 मिनट कैसे आप लोग ए टू जी एसईओ टूल को कस्टमाइज कर सकते हो, कैसे थीम चेंज करना है और कहां पर हर टूल के लिए अलग से कंटेंट राइट करना है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आएगी। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आई स्टार्ट माय वीडियो। दिस इज प्रोफेशनल मन्ना, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले अगर आप लोग अपने ए टू जी एसईओ टूल में लॉग इन हो जाते हो तो उसके बाद आप लोगों के सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं। सबसे पहले डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में क्या होगा कि यहाँ पे आप लोगों को ऑनलाइन यूजर नजर आएंगे कि कितने इस टाइम ऑनलाइन यूजर हैं आपकी वेबसाइट पर। और नेक्स्ट ये आ जाएगा टोटल पेज व्यूज। यहाँ पे ये होगा कि कितने लोगों ने आपके कितने पेजेस को व्यू किया है। टुडे न्यू यूजर है वो यूजर आएगा जिसने आके आज आप लोगों की वेबसाइट पर साइन अप किया है। नेक्स्ट ये जो यूनिक विजिटर्स है इसमें आएगा कि कितने लोगों ने साइन अप किए बगैर आप लोगों की वेबसाइट यूज की है। पेज व्यूज हिस्ट्री में ग्राफ आ जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे सर्वे इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे रिसेंट एक्सेस हिस्ट्री है कि कहाँ कहाँ से लोगों ने आप लोगों की वेबसाइट को यूज किया है। और ये जो पोर्शन है यहाँ पे आप लोगों को वो लोग नजर आएंगे जिन्होंने आपकी वेबसाइट पर साइन अप किया है। और यहाँ पे एडमिन हिस्ट्री आ जाएगी, किस किस आईपी से एडमिन ने लॉग इन किया है। और यहाँ पे आप लोगों का जो स्क्रिप्ट है उसका वर्जन आप लोगों को नजर आएगा कि कौन सा वर्जन आप लोगों का स्क्रिप्ट यूज कर रहा है। यहाँ से जो मैनेज साइड है इस पे अगर आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोगों को बेसिक सेटिंग नजर आएगी। यहाँ पे आप लोगों ने अपनी वेबसाइट का नाम इंटर करना है। यहाँ पे ए टू जी एसईओ टू लिखा हुआ है, आप लोगों ने ये खत्म करके अपनी वेबसाइट का नाम इंटर कर लेना है। और ये जो टाइटल टैग है यहाँ पे आप लोगों ने अपना टाइटल टैग राइट करना है। यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे भी आप लोगों ने अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन राइट करनी है। मेटा कीवर्ड्स में भी अपने कीवर्ड ऐड करने हैं। ये वाला जो टेक्स्ट आप लोगों को फुटर में नजर आएगा ऑल राइट रिजर्व वाला, आप लोगों ने भी अपनी वेबसाइट का नाम इधर इंटर कर लेना है। यहाँ पे एडमिन ईमेल आईडी आ जाएगी। और यहाँ से जो https रिडायरेक्ट इसे भी यस करना है। और फोर्स www इन URL इसे भी यस कर देना है। और ये जो नेक्स्ट सोशल मीडिया लिंक है आप लोगों ने फेसबुक पेज का लिंक इधर दे देना है, ट्विटर पेज का भी, और उसके बाद गूगल प्लस तो खत्म हो चुका है इसे रहने दें। और इसके बाद आप लोगों ने लिंक्डइन का यहाँ पे पेज लिंक दे देना है। यहाँ पे आप लोग गूगल एनालिटिक्स का कोड इंटर कर देंगे, वो भी यहाँ से आप लोगों का कनेक्ट हो जाएगा। ये जो नेक्स्ट चीज मेंटेनेंस है इसमें अगर आप लोग अपनी वेबसाइट को मेंटेन कर रहे हो, कोई नए फीचर इसमें ऐड कर रहे हो तो आप लोग इसे ऑन कर सकते हो। और कोई भी विजिटर जब आपकी वेबसाइट पे आएगा तो उसे पॉपअप सा आ जाएगा कि ये जो वेबसाइट है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, आप लोग अभी इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। आप लोगों ने उसके बाद सेव कर देना इसे। और कैप्चा प्रोटेक्शन आ जाएगी, उसके बाद बैन आईपी एड्रेस आ जाएगा, डीडोस प्रोटेक्शन, एड ब्लॉक डिटेक्शन में क्या होगा कि अगर तो आप लोग इसे यस करते हो, इनेबल करके यस कर देते हो, तो कोई भी बंदा जिसने एड ब्लॉक की एक्सटेंशन ऐड की हुई है वो आप लोगों की वेबसाइट यूज नहीं कर सकता जब तक वो उस एक्सटेंशन को ऑफ नहीं करेगा। और उसके बाद जो एनालिटिक्स है यहाँ पे आप लोगों को ओवरव्यू नजर आएगा। और जो ओवरव्यू है इसमें आवरली ट्रैफिक आ जाएगी आप लोगों की, और उसके बाद पेजेस जितने भी यूज हुए हैं वो आ जाएंगे, किस किस कंट्री से विजिटर आप लोगों की वेबसाइट पर आए हैं, और ब्राउजर कौन कौन सा यूज किया गया है। और उसके बाद जो रेफरल लिंक है कि गूगल से कितने लोग आए हैं, फेसबुक से कितने लोग आए हैं, और दूसरी वेबसाइट से कितने लोग आए हैं, और डायरेक्ट कितने लोगों ने आप लोगों की वेबसाइट को एक्सेस किया है। और यहाँ से किस किस प्लेटफॉर्म से आए हैं लोग, विंडोज से, एंड्रॉयड। और नेक्स्ट जो है ओवरऑल रिपोर्ट आ जाएगी आपकी, इसमें आप लोग देख सकते हैं, ये भी सिंपल सी चीजें हैं। और विजिटर लॉग, इसमें जो विजिटर की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, और रिसेंट हिस्ट्री आ जाएगी। रिसेंट हिस्ट्री में आप लोग यहाँ से यूजर क्यूरी को भी चेक कर सकते हो कि क्या क्या चीज यूजर ने आप लोगों की वेबसाइट पे आके सर्च की है। और उसके बाद हु इज ऑनलाइन, हुईज ऑनलाइन पे आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कौन कौन सा बंदा इस टाइम आपकी वेबसाइट पे ऑनलाइन है। अगर हम लोग एसईओ टूल पे क्लिक करते हैं तो हमें दो ऑप्शन नजर आते हैं, मैनेज टूल और
एडिशनल ऑप्शन का। अगर हम लोग मैंने टूल पे क्लिक करते हैं और हमारी वेबसाइट पे जितने भी टूल्स हैं हम लोगों को नजर आ जाएंगे, जहाँ से हम लोग सिंपली एडिट कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग टूल का नाम एडिट कर सकते हैं, उसका यूआरएल, और उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद हम लोग यहाँ से ऑर्डर चेंज कर सकते हैं टूल का, मेटा टाइटल, मेटा कीवर्ड यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ से कैप्चा प्रोटेक्शन एक्टिव कर सकते हैं। और यहाँ से हम लोग ये भी कंडीशन रख सकते हैं कि अगर तो यूजर ने लॉग इन नहीं किया आपकी वेबसाइट पर तो वो आप उनकी वेबसाइट को इस्तेमाल नहीं कर सकता। और यहाँ से आप लोग अपने टूल को एक्सप्लेन कर सकते, वो टूल है क्या, वो वर्किंग कैसे करते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और ये चीज़ें आप लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं हर टूल की। और जब तक आप लोग ये चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करोगे आप लोगों की वेबसाइट मोनेटाइजेशन के लिए एबल नहीं होगी। यूनिक डिस्क्रिप्शन एंटर करनी है और यहाँ पे आर्टिकल वगैरह लिखने हैं हर टूल के। यहाँ से आप लोग नेक्स्ट पेज पे जा सकते हो और नेक्स्ट पेजेस पे जा सकते हो, या फिर यहाँ से शो में 10 राइट किया, यहाँ से 100 सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप लोगों को आपके टूल सारे नजर आ जाएंगे। और एडिशनल ऑप्शन में आप लोगों को क्या चीज नजर आएगी ये भी चेक करते हैं। यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो प्लेजरिज्म चेकर है वो किस मेथड के थ्रू वर्क करे, सर्च इंजन, गूगल सर्च इंजन के थ्रू करे, या टूल में प्रोवाइड की गई है उसके जरिए करे, या फिर गूगल सीएसई मेथड से। जो ये जो अब नया वर्जन आया है इसमें हम लोगों को ये दो चीजें ऊपर वाली ही नजर आती हैं, ये तीसरी वाली खत्म कर दी है इन्होंने। और यहाँ से हम लोग लिमिट करेक्टर की बढ़ा सकते हैं कि 1500 वर्ड का प्लेजरिज्म चेक कर सकते हैं हम लोग, या फिर 2000 कर सकते हैं, 3000 कर सकते हैं, जितनी आप लोगों की मर्जी आप लोग कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ से हम लोग मिनिमम करेक्टर लिमिट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितने मिनिमम करेक्टर होंगे तभी ये प्लेजरिज्म चेक होगा। उसके बाद हम लोग जाते हैं एडवर्टाइजमेंट में। जब हमारा एडसन अप्रूव हो जाएगा तो तब हमने यहाँ पे अपनी एड्स लगानी है, और ये एड हम लोगों को कहाँ पे शो होगी ये भी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे ये जो ईमेल सेटअप है, यहाँ पे हम लोग ईमेल सेंड कर सकते हैं जितने भी लोगों ने हमारे हमारी वेबसाइट को सब्सक्राइब किया है, यानी उस पर साइनअप वगैरह किया है, जिसने साइनअप किया है हम लोगों को उनकी ईमेल अकाउंट मिल जाएगा, हम लोग उन्हें सेंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप लोग टेम्पलेट देख सकते हो और मेल सेटिंग देख सकते हो। और ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है यहाँ पे इसकी डिटेल आप लोग चेक कर सकते हो कि कहाँ कहाँ से आप लोगों की वेबसाइट को एक्सेस किया गया है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे नजर आएगा यूजर, ऐड यूजर, मैनेज यूजर और सेटिंग में। ऐड यूजर में आप लोग अपनी मर्जी के साथ यूजर ऐड कर सकते हो बगैर साइनअप करवाए। और मैनेज यूजर में हम लोग अगर जाते हैं तो आप लोग यहाँ से इन्हें मैनेज कर सकते हो कि किस किस को आप लोगों ने बैन करना है किस यूजर को, और यहाँ से उनकी सारी डिटेल ले सकते हो। अगर आप लोगों ने यहाँ से किसी यूजर को डिलीट करना है डिलीट कर सकते हो। और अगर हम लोग बात करें सेटिंग की तो सेटिंग में हमें ये कुछ चीजें देखने को मिलती हैं। यहाँ से आप लोग विजिटर की लिमिट सेट कर सकते हो कि कितनी बार एक विजिटर आप लोगों की वेबसाइट को लॉग इन किए बगैर यूज करे। और यहाँ से क्लाइंट आई डी आ गई है, और नेक्स्ट यहाँ से ट्विटर और फेसबुक और गूगल। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ से पेजेस पे जाना है। आप लोग अगर क्रिएट पेज पे जाओगे तो आप लोगों को ये वाली ऑप्शन मिलेगी, आप लोग अपनी मर्जी का पेज क्रिएट कर सकते हो यहाँ से। और उसके बाद आप लोग इसे लिंक भी कर सकते हो पेज को, कि आप लोगों ने कहाँ पे इसे रखना है, कहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, फुटर बार में करवाना है, हेडर की जो मेन्यू बार है वहां पे आप लोगों ने इसे शो करवाना है, कहाँ पे करवाना है आप लोग करवा सकते हो। और अगर हम लोग मैनेज पेजेस की बात करें और यहाँ पे हम लोगों को कुछ पेजेस नजर आएंगे जो ऑलरेडी बिल्ड है, होम का है, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस का। ठीक है, और यहाँ से अगर हम लोग इंटरफेस की बात करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी वेबसाइट की। इसमें हम लोग न्यू लैंग्वेज क्रिएट कर सकते हैं और लैंग्वेज को एडिट कर सकते हैं। और मैनेज थीम में हम लोग अगर जाएं तो यहाँ पे हम लोगों को ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पे हम लोगों को दो थीम प्रोवाइड किए गए हैं,
ये जो बाय डिफॉल्ट एक्टिव होता है हमारी वेबसाइट पर, और अगर हम लोग इसे चेक करें, रिव्यू करते हैं, ये थीम आप लोगों ने अपनी वेबसाइट पे सिलेक्ट कर लेना है, ये अच्छा है दूसरे से। और यहाँ पे हम लोग अपनी एड्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं जो हम लोगों ने एड्स वाले सेक्शन में चेक किया था। ये ऐसा आप लोगों को इंटरफेस मिलेगा और ये काफी यूजर फ्रेंडली है, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग भी इसे ही यूज करें। अगर आप लोग एडिट के बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप लोग अपना जो लोगो है वो अपलोड कर सकते हो चूज फाइल पे क्लिक करके, ठीक है। यहाँ से इमेज टाइप जो ईमेल लोगो रख सकते हो या फिर HTML टेक्स्ट लोगो भी यहाँ से रख सकते हो कि कौन सा आप लोगों ने लोगो अपलोड करना है। और यहाँ से आप लोग फेव आइकन चूज कर सकते हो, ये जो आइकन हमें ऊपर नजर आया है ये जो आइकन होता है फेव आइकन होता है, और यहाँ से आप लोग अपनी मर्जी से भी अपलोड कर सकते हो। और ये जो पांच टूल है ये हमें फुटर में नजर आते हैं, मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूं। ये वो पांच टूल है जो हमें फुटर में नजर आ रहे हैं, ये यहां से आप लोग न्यू भी सिलेक्ट कर सकते हो, इसे रिमूव करके कोई और भी सिलेक्ट कर सकते हो कि अपनी मर्जी से भी सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आप लोगों ने यहां पे रखना हो। और यहां से आप लोग फुटर वाली डिस्क्रिप्शन को रिमूव करके अपनी डिस्क्रिप्शन भी एंटर करोगे जो आप लोगों को फुटर में नजर आएगी, ये वाली। और उसके बाद यहां से आप लोग देख सकते हैं कि साइड मैप आता है, साइड मैप पे जब आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को साइड मैप इनेबल करने का ऑप्शन नजर आएगा, आप लोगों ने इसे इनेबल कर देना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों ने सबसे पहले यही करनी है। और उसके बाद अडोन आता है, अडोन आप लोग अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल कर सकते हो। इसे इंस्टॉल करने से ये होगा कि आप लोगों की वेबसाइट सबसे यूनिक नजर आएगी ये, और ये यूनिक किस्म का इंटरफेस होगा, तो ये पेड प्रोसेस है, आप लोग इसे अगर इंस्टॉल करना चाहो तो इंस्टॉल कर सकते हो। और उसके बाद फाइल में अंदर डेटाबेस एडिटर है और डेटाबेस बैकअप है। तो आई होप कि आज वीडियो आप लोगों को काफी अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ में लाजमी शेयर करें, और अगर आप लोग पहली दफा मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो सब्सक्राइब इट फॉर मोर वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज।